आज हम बनाएंगे बेसन की बहुत ही अलग तरह की रेसिपी। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बोल में एक कप बेसन लिया है। इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच नमक, करीब 2 टीस्पून ऑयल, तो कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल नॉर्मल वाला बेसन यूज़ किया है, जिसका कि हम कढ़ी या फिर हम खांड भी बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, मैंने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स किया है, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका डो लगाएंगे। तो बेसन जो है बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करता है, तो आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, नहीं तो डो जो है बहुत लूज़ और स्टिकी हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इसका डो बना लिया है, और अब हम इसको ढक देंगे और करीब 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बेसन को रखे हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि बेसन जो है चिपकेगा नहीं, और हम इसको 5 से 6 लोई में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से हम इनको रोल कर लेंगे इस तरह से हाथों से। तो ये देखिए, मैंने इनको रोल कर लिया है। अब हम एक पेड़ा लेंगे और बाकी को साइड में रख लेंगे। इसको हम थोड़े से सूखे आटे से डस्ट कर लेंगे, जिससे कि इसको बेलने में आसानी रहे, और इसको हम एकदम पतला पतला बेल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको रोल कर लिया है, और आप देखें कितना पतला रखा है मैंने इसको, रोटी से भी पतला रखा है। और अब मैंने यहाँ पे एक चॉपस्टिक ले रखी है, आप चाहें तो एक पेंसिल ले लें क्लीन करके, और हमको इस तरह से इसको रोल करना है, ये देखिए आप। और एंड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक मैदा और पानी मिला के पेस्ट बनाया हुआ है, तो आप चाहे कॉर्नफ्लोर से बना लें, चाहे मैदा से बना लें, इस तरह का पेस्ट बना लें आप, और इसको लगा दें इस पे, और हल्के हाथों से बिल्कुल इस तरह से रोल करें, जिससे कि इसकी सारी लेयर्स जो हैं आपस में चिपक जाएं, और उबालते समय ये फटे नहीं। और हम बिल्कुल धीमे से इस तरह से चॉपस्टिक या पेंसिल निकालेंगे, तो आप देखिए इस तरह के रोल दिख रहे हैं, तो इसी तरह के रोल्स हमें तैयार करने हैं। ये देखिए, मैंने सारे रोल्स तैयार कर लिए हैं, और आइए फटाफट चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। अब हम इनको बॉईल कर लेंगे, इसलिए मैंने पानी जो है गर्म होने रख दिया एक पैन में। थोड़ा सा तेल डाल देंगे, जिससे कि आपस में चिपके नहीं, और अब ये रोल्स इसमें डाल देंगे, और अब हम इसको कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और करीब बस 5 मिनट तक हम इसे पकने देंगे। रोल्स को स्टीम होते हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट हुए हैं, हम इसे खोल के देखेंगे। तो ये देखिए, बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं, और अपने साइज से कितने बड़े हो गए हैं। हम इन्हें निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। तो ये जो नीचे पानी बचा है, आप इसे फेंके नहीं, हम इसको ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो बस अभी मैं रोल्स को निकाल के हल्का सा ठंडा हो जाने दूंगी, और आइए तब तक हम ग्रेवी की भी तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बोल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप दही, तो ताज़ा दही है, खट्टा दही नहीं है। हम इसमें डाल देंगे 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अगर दही में पहले से मसाले मिला दिए जाएं, तो दही कुक करते समय फटता नहीं है। तो ये देखें, एकदम तैयार है ये। हम इसे साइड में रख लेंगे, और जो हमारे बेसन के रोल्स हैं वो भी ठंडे हो गए हैं। इन रोल्स को अब हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, तो बहुत छोटे भी नहीं और बहुत बड़े भी नहीं। तो इस तरह से देखें आप, मैं सारे रोल्स कट कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने सारे रोल्स कट कर लिए हैं, और आइए फटाफट ग्रेवी बनाते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने एक पैन गरम किया है, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल। तेल जैसे ही गर्म होगा, हम इसमें डाल देंगे हींग या असाफटिदा। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, एकदम थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन और जीरा अच्छे से चटक रहा है, हम इसमें डाल देंगे थोड़े से हरी मिर्चें। इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, हरी मिर्च भी बहुत अच्छे से भुन गई है। हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भर के बारीक कटा हुआ अदरक, इसको भी बहुत अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये दही का पेस्ट जो हमने बनाया था, और इसको हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपको इसको लगातार चलाना है, नहीं तो क्या होगा, दही जो है वो फट सकता है। तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे इस टाइम, और इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए, मैंने दही को बहुत अच्छे से भूना है, और आप देखें कितना थिक कर लिया है भून भून के। और अब हम इसमें डाल देंगे अपने बेसन के रोल्स, इसके साथ ही इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इनको हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो बेसन के गट्टे तो हम अक्सर बनाते हैं, पर ये बहुत ही डिफरेंट लगते हैं खाने में, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत ही पसंद आएंगे। रोल्स को मैंने ग्रेवी में बहुत अच्छे से भून लिया है, और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो बचा हुआ पानी होगा जब हमने रोल्स बॉईल किए थे, वही वाला पानी हमें यूज़ करना है।
इसको एक बार फिर से मिला देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, इसको कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको 5 से 6 मिनट अच्छे से पकने देंगे। रोल्स को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं ग्रेवी में, ये देखिए एकदम तैयार है ये। और अब हम क्या करेंगे, बस गैस को ऑफ कर देंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, मतलब 1/4 टीस्पून के करीब, इसको भी मिला देंगे और इसको हम गार्निश कर देंगे थोड़े से बारीक कटे धनिया के साथ। तो हमारे बेसन रोल की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत टेस्टी। जब घर में कोई सब्ज़ी ना हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या बनाएं, तो ट्राई करिएगा एंड आई एम श्योर ये आपको भी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।